जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। आप सभी लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग का एक और वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में लॉजिकल रीजनिंग के टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने लिए, जो 5 अलग अलग टॉपिक से हैं। उनका एवरेज जो है वो मॉडरेट है। आप लोगों से सिर्फ सिंपल सी एक ये रिक्वेस्ट है कि जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन जो है वो श्रृंखला का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। आप जब देखेंगे सीरीज जो है वो बढ़ती हुई सीरीज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आप हमेशा फोकस ये कीजिए करें कि पहले नंबर से दूसरा नंबर किस तरीके से बनेगा। 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप देखेंगे 8 में अगर मैं 31 जोड़ दूँ तो 39 आता है, ठीक है। तो अगर मैंने जोड़ दिया तो लिख दिया मैंने 31 जोड़ने पर 39 आ जाएगा। 39 में 40 जोड़ने पर कितना आता है, 79। और इसी तरीके से जब आप देखेंगे 79 में से क्या जोड़ू जो 394 आ जाए, लेकिन उससे कोई आपको पैटर्न दिखता नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ये प्लस वाला पैटर्न तो नहीं है। और ये डायरेक्ट आपको दिख जाएगा कि प्लस वाला पैटर्न क्यों नहीं है, क्योंकि शुरुआत में नंबरों में गैप बहुत कम है, बाद में जाके गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लस में ऐसा मोस्टली नहीं होता है। प्लस की सीरीज होती है तो वो धीरे धीरे चलती है, 8, 18, फिर इसी तरीके से 30, फिर 42, इसी तरीके से छोटा छोटा डिफरेंस होता है उनके बीच में। लेकिन जब चीज़ें डायरेक्ट लंबी छलांगे लगा रही हो तो ऐसी स्थिति में इनटू उस सीरीज के अंदर ज़रूर होता है। तो मैं देखूंगा कि इनटू करते हुए 8 से 39 कैसे बनाऊंगा। तो मेरे को पता है 8 के आसपास का आंकड़ा 40 होता है, जब मैं इनटू 5 करता हूँ तो 8 × 5 क्या कितना हुआ, 40। 40 में 1 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 39, ठीक है। एक ही पैटर्न मिला, ठीक। अब मैं देखूंगा, अच्छा 39 से इंटू करते हुए 79 किससे बनेगा, तो मैं 39 में इंटू 2 कर दूंगा तो कितना आता है, 78। प्लस 1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 79। तो पैटर्न यही है, इंटू फाइव माइनस 1, ये माइनस 1 है, 8 × 5 40, माइनस 1 39, और 39 × 2 + 1, ठीक। इसी तरीके से आगे पैटर्न चलता चले आएगा। आप देखेंगे 39 में, 79 में भी अगर मैं इंटू 5 कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 395, लेकिन 1 माइनस करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 394। इसी तरीके से अगर मैं इसमें इंटू 2 करके प्लस 1 कर दूं तो आ जाएगा 789। सेम यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से मेरे को इंटू 5 करना पड़ेगा, माइनस 1 करना पड़ेगा। तो जब मैं इंटू 5 कर दूंगा यहाँ पे, तो इंटू 5 करने पे आएगा 3945, लेकिन मेरे को माइनस 1 करना पड़ेगा पैटर्न के हिसाब से, तो आंसर हो जाएगा 3944। तो यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि जब आपकी सीरीज बढ़ती हुई हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सीरीज क्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो वो सीरीज प्लस वाली होगी, वो सिर्फ प्लस पे पैटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन सीरीज में गैप जो है बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो इंटू का यूज़ करते हुए सीरीज बन रही होगी। तो आप पहले नंबर से दूसरा नंबर इंटू के साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपकी सीरीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक। ये था पहला क्वेश्चन, चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर मिसिंग नंबर का है, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए का है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें आपका एक बीच वाला नंबर है और आसपास उसके 4 नंबर दे के रखे हुए हैं। तो आप कोशिश यही करेंगे कि आसपास के 4 नंबरों से क्या बीच का नंबर बनाया जा सकता है। तो पहली प्रोसेस में देखता हूँ कि क्या सबको जोड़ने पर कुछ आ रहा है क्या। 4 + 2 = 6, 6 + 5 = 11, 11 + 22 में न डिवाइड करने पर, न इंटू करने पर 8 आएगा कहीं से भी, तो ये पैटर्न तो नहीं लग रहा। अब मैं देखता हूँ इनको तोड़ के कुछ करने की कोशिश करता हूँ। 4 + 5 कितना हुआ, 9। 11 + 2 कितना हुआ, 13। 13 - 9 कितना हुआ, 4। 4 × 2 = 8 हुआ। एक पैटर्न मेरे को दिखा है, जरूरी नहीं यही हो। तो इन दोनों का माइनस, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस, आपस में माइनस इंटू 2। तो सेम मैंने यहाँ पे किया, 20 + 8 कितना हुआ, 28। 10 + 6 कितना हुआ, 16। अब आप 28 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा 12। 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24। पैटर्न नहीं लग रहा। अब दूसरा पैटर्न लगाने की कोशिश करता हूँ। 4 + 11 कितना होता है, 4 + 11 = 15। 5 + 2 कितना होता है, 7। इन दोनों को माइनस किया, 15 - 7 कितना हो गया, 8। अब आप इसमें एक बात ध्यान रखना, आपका कोई भी पैटर्न आपको यहाँ पे मिलता है तो डायरेक्ट आप उसको वहाँ पे मत लगा दीजिएगा। हमेशा
बीच वाले पे चेक कीजिएगा कि जो पैटर्न आपको पहले में मिला है वही पैटर्न पूरे क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं। जल्दबाजी आप कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो पहला पैटर्न जो मैंने लगाया था 4 + 5 = 9, 11 + 2 कितना हुआ 13, 13 - 9 कितना हुआ 13 - 9 = 4, 4 × 2 = 8। आप अगर सेम पैटर्न यहाँ पे लगाते 15 + 3 = 18, 8 + 6 = 14, 18 में से 14 गए बचा 4, 4 × 2 = 8, क्या पता 8 ऑप्शन होता आप उसको कर देते, लेकिन ये पैटर्न पूरे क्वेश्चन में नहीं लग रहा। तो हमेशा इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें तीन फिगर देता है, पहले पे आप ट्राई करो और वही क्रॉस चेक करो दूसरे वाले पे, अगर वो लगता है तो ही फॉलो करना, नहीं तो मत करना। तो अब मैंने जो दूसरा पैटर्न देखा वो ये, इस साइड वाले दो नंबर को जोड़ा है, 4 + 5 कितना हो गया 15, 5 + 2 हो गया 7, दोनों का आपस माइनस किया 8। ये भी मेरे को पता नहीं पैटर्न है कि नहीं, मैं आगे चेक करूंगा। 20 + 10 कितना हो गया 30, माइनस 8 + 6 कितना हो गया 14, 30 - 14 ये हो गया 16, हाँ बिल्कुल 16 है बीच में, पैटर्न यही है। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा 23, माइनस 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, 23 - 9 कितना हो जाएगा आंसर 14। तो इस वाले क्वेश्चनों पे आपको प्रैक्टिस बहुत करने की जरूरत है, क्योंकि इसका कोई प्री डिफाइंड लॉजिक नहीं होता है कि आप ये करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा लॉजिक वहां लग रहा है, सिर्फ यही दिक्कत होती है रीजनिंग में इधर वाले पार्ट पे। मैथ्स में पता है 3 + 3 = 6 है, यहाँ 3 और 3 = 6 बना देगा, 3 और 3 = 9 बना देगा, 3 और 3 = 33 बना देगा उसकी इच्छा। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस इस वाले टॉपिक पे होगी उतनी कम मेहनत लगेगी, उतनी कम डिफिकल्टीज होगी। चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स का। इसमें आपको ये बताना है कि कितने त्रिभुज है इस पूरी आकृति के अंदर, कितने ट्रायंगल है इस पूरे फिगर के अंदर। तो मैं सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल से गिनना शुरू करता हूं कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। ये पहला ट्रायंगल जो सबसे छोटा ट्रायंगल है, एक, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल, ठीक। इन दोनों को मिला के ये हो गया तीसरा ट्रायंगल, ठीक। चौथा ट्रायंगल है ये वाला जो कि साइड में है, और इन सबको मिला के जिनके अंदर चार बने हैं इन सबको मिला के हो गया पांचवा ट्रायंगल। वापस से गिन रहा हूं, एक, ये हो गया दो, इन दोनों को मिला के हो गया तीन, ये हो गया चौथा, और इन सबको मिला के हो गया पांचवा। जब इधर मैं आऊंगा तो इधर गिनना चालू करूंगा तो ये हो गया छठा ट्रायंगल, ये वाला हो गया छठा ट्रायंगल, ठीक। ये हो गया सातवां ट्रायंगल, ठीक। ये हो गया आठवां ट्रायंगल, और इन दोनों को मिला के हो गया नौवां ट्रायंगल, ठीक। और अगर मैं यहां से गिनने जाऊंगा ये सबसे बड़ा वाला दसवां ट्रायंगल, ठीक। अब मैं यहां से गिनना शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं ये वाला गिन चुका हूं, ठीक। आगे की तरफ जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा ग्यारहवां ट्रायंगल, कौन सा बोल रहा हूं, ए सी जे, ये हो गया ग्यारहवां ट्रायंगल। बारहवां ट्रायंगल कौन सा होगा, ये बड़ा वाला ए सी ई, ए सी ई, ये हो गया बारहवां ट्रायंगल, ए सी और ई, ये हो गया बारहवां ट्रायंगल, ठीक। यहीं से आके मैं गिनना शुरू करूंगा इधर से, तो ये मैं गिन चुका हूं, इधर से आगे की तरफ जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका तेरहवां ट्रायंगल, कौन सा, ई आई जी, ई आई जी, ये हो गया तेरहवां ट्रायंगल। और आगे की तरफ जाऊंगा तो ई ए जी, ये हो गया चौदहवां ट्रायंगल। तो टोटल इसके अंदर है 14 ट्रायंगल। फिर से गिरा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, पहला ये हो जाएगा पहला ट्रायंगल, ये हो जाएगा दूसरा, इन दोनों को मिला के हो जाएगा तीसरा, ये हो गया चौथा, और इन सबको मिला के बड़ा वाला हो गया पांचवा, ठीक। ये छठा, ये सातवां, आठवां, और सात और आठ को मिला के हो जाएगा नौवां। ए एच और ई, ये है बड़ा, सबसे बड़ा ट्रायंगल, ये हो जाएगा दसवां ट्रायंगल। अब ऊपर से और नीचे से गिनना शुरू करूंगा, ये गिन चुका हूं, ये हो जाएगा मेरा ग्यारहवां ट्रायंगल, यहां से आगे की तरफ जाऊंगा हो जाएगा बारहवां ट्रायंगल, सेम नीचे दो मिलेंगे, ये गिन चुका हूं, ये हो जाएगा तेरहवां ट्रायंगल, और ये हो जाएगा मेरा चौदह ट्रायंगल। तो इसके अंदर टोटल 14 त्रिभुज है, 14 ट्रायंगल है, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन जो है ये दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। इसमें सूर्य की जो डायरेक्शन होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन में ये बोला है सूर्योदय के समय, एट द टाइम ऑफ सनराइज। अब अपन सबको पता है कि सनराइज के समय, सूर्योदय के समय सूर्य जो होता है, सन जो होता है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो मेरे को पता है ईस्ट डायरेक्शन में सन होता है, तो ये बना दिया मैंने सन को, ये हो गया आपका सन। और सन की जो रेज होगी ये जाती है वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सुबह के समय कहीं पर भी है तो ऐसी स्थिति में उसकी परछाई हमेशा वेस्ट में, पश्चिम में ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है और उसकी रेज जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आएगा रेज पूरी तरीके से नहीं जा पाएगी, तो उसकी अब्सेंस में, रेज की अब्सेंस में वापिस शेडो बन जाती है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, सूर्योदय की बात जब भी बोले
ठीक सनराइज की बात जब भी बोले तो ऐसी स्थिति में हमेशा आपका सूर्य जो होगा वो होगा ईस्ट डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट हो या व्यक्ति हो या पर्सन जो भी हो, ऐसी स्थिति में हमेशा उसकी जो परछाई होगी वो वेस्ट में ही बनेगी। तो इतनी बात आपको पहले तो ध्यान रखनी है। ठीक, अब सुनना, सुबह के समय बोला सूर्योदय के समय पे राम और श्याम एक दूसरे की तरफ देखते हुए आपस में बात कर रहे हैं। राम और श्याम के खड़े होने के दो तरीके हो सकते हैं, कैसे? देखो, एक तरीका ये हो सकता है कि वो दोनों इस तरीके से खड़े होकर बात कर रहे हो, या दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि वो दोनों इस तरीके से खड़े होकर बात कर रहे हो। अगर वो इस तरीके से खड़े होकर बात कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस व्यक्ति की परछाई भी पश्चिम में पड़ेगी वेस्ट में, और इस व्यक्ति की परछाई इसके पीठ के पीछे बन जाएगी, इसकी इसके ऊपर होगी, इसकी इसके पीठ के पीछे। अब सुनना, क्वेश्चन में बोला एक व्यक्ति की परछाई एक के बाएं पे बन रही, कौन सा व्यक्ति वो मैं नहीं ले रहा, एक व्यक्ति की परछाई दूसरे के बाएं पे बन रही है, ये तो किसी के भी बाएं पे किसी के भी लेफ्ट पे नहीं आ पाएगी परछाई, एक की एक के पीठ के पीछे जा रही है, एक की एक के सामने जा रही है, बाया दाया तो यहां पे हुआ ही नहीं, ठीक लेफ्ट राइट तो यहां पे हुआ ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना इन वाले क्वेश्चनों में ज्यादातर हमेशा जब लेफ्ट राइट आता है तो ये ही तरीका होता है बिठाने का या खड़ा करने का, ये मत करना। तो ये वाला तो किस्सा मैं हटा ही देता हूं। तो किस तरीके से खड़े, वो वर्टिकली खड़े इस तरीके से एक दूसरे की तरफ देखते हुए, ये खड़ा कर दिया आपने इनको। सुनना आप थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा, अब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, ये दोनों की परछाई बनेगी पश्चिम में, क्यों? क्योंकि जो लाइट आ रही है वो उधर से आ रही है। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, एक व्यक्ति ऐसे खड़ा, बल्ब अगर उस तरफ जल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम दोनों की परछाई इस तरफ ही बनेगी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे करेंगे आप, ये तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको इसी तरीके से खड़ा करना इन दोनों को। अब आप देख लेना कि दोनों व्यक्तियों के लिए, दोनों व्यक्तियों के लिए परछाई वाला पार्ट कौन सा है, लेफ्ट किसके लिए राइट किसके लिए। सपोज अब ये वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है, परछाई यहां बन रही है, तो ये इस व्यक्ति का हुआ बाया, ये व्यक्ति का हुआ लेफ्ट, तो मैंने लिख दिया नीचे वाले के लिए ये हो गया लेफ्ट। ये व्यक्ति नीचे देख रहा है, साउथ में देख रहा है, और परछाई यहां बन रही है, तो इस वाले व्यक्ति के लिए परछाई वाला पार्ट हो गया राइट, ये बना दिया राइट, ये हमेशा फिक्स रहेगा। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर वाले के लिए ये वाला पार्ट राइट होगा, वो नीचे वाले के लिए वाला पार्ट लेफ्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में किसके लेफ्ट बोला है, सुनना किसके लेफ्ट बोला है, कि राम और श्याम बातें कर रहे थे, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, राम की परछाई किसके बाएं पे बन रही है, श्याम के बाएं पे, श्याम के लेफ्ट पे बन रही है, लेफ्ट किसका है, इसका। और क्वेश्चन में किसके लेफ्ट बोला है, श्याम के, तो ये हो जाएगा श्याम, क्वेश्चन खत्म, ये हो गया शाम, तो ये हो जाएगा राम। एक बार क्रॉस चेक कर लो बस, कि राम ये रहा, राम की परछाई ये रही, शाम ऊपर की ओर देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या जो परछाई बन रही है वो शाम का लेफ्ट वाला ही पार्ट है, बिल्कुल लेफ्ट वाला ही पार्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट हो जाएगा, ये इस तरीके से बैठे हुए हैं एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, राम की परछाई ये रही, शाम की परछाई भी ये रही, राम नीचे की ओर देख रहा है, शाम ऊपर की ओर देख रहा है, इसलिए राम की जो परछाई बनेगी वो शाम के लेफ्ट हैंड पे बन जाएगी। पूछा ये गया राम किस दिशा की ओर देख रहा है, तो राम नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की दिशा होती है साउथ, दक्षिण, तो आपका उत्तर हो जाएगा साउथ, जो कि ऑप्शन बी में है। सपोज मैं अभी यहां पे वापस आ जाता हूं, क्वेश्चन में बोलता कि राम की परछाई शाम के राइट पे बन रही है, दाएं पे बन रही है। अब सुनना, आपको हमेशा देखना है दाया बोला या बाया। अब जैसे दाया बोला होता, राइट बोला होता, तो मैं राइट वाले व्यक्ति को पकड़ता, राइट कौन है, ये किसके दाएं बोला है, शाम के दाएं, तो इसको शाम बोल दिया, इसको राम बोल दिया। और आप गलत बिठा देते हो तो क्रॉस चेक भी कर लोगे, तो आप देख लोगे कि सपोज कर लो मैं यहां पे अगर राम बिठा देता इसी वाले क्वेश्चन में, इसको मैं शाम बोल देता, तो आप एक बार बिठाने के बाद क्रॉस चेक जरूर कर लो कि अच्छा ये रही राम की परछाई, शाम के क्या ये बाएं पे बाएं लेफ्ट पे बन रही क्या, शाम अगर नीचे की ओर देख रहा है, परछाई इस साइड पे बन रही है, तो ऊपर वाले के लिए मतलब शाम के लिए वाला पार्ट हुआ राइट, क्वेश्चन में बोला लेफ्ट, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ दो ही तरीके हैं, ये गलत हो गया तो ऑब्वियसली बात है इंटरचेंज कर देना, खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ मानना यह है, या मैं बोलूंगा आप आसानी से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि व्यवस्था आपको पता चल जाएगी, दाएं बाएं कभी भी आएगा सूर्योदय में तो बिठाना ऐसे ही है, परछाई वाला पार्ट आपको पता है किसके लिए लेफ्ट है किसके लिए राइट, क्वेश्चन में जिसके लिए बोला है इसके लेफ्ट में बन रही तो लेफ्ट वाले व्यक्ति को पकड़ लो, उसके राइट में बन रही तो राइट वाले व्यक्ति को पकड़ लो, नाम देके रखा होगा उसके मतलब किसके, तो लिख देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, एक को बिठाना दूसरा खुद ब खुद बैठ जाएगा। तो इस वाले का उत्तर हुआ दक्षिण दिशा की ओर राम देख रहा है साउथ की ओर।
अगला क्वेश्चन जो है, ये अगला क्वेश्चन आपका ऑर्डर इन रिंकिंग का क्वेश्चन है। क्या बोला, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि एक लाइन है, उस लाइन में टोटल 42 स्टूडेंट्स है, जिसमें राम का स्थान पीछे से आपको देके रखा है 35वां है, और विजय का स्थान आगे से देके रखा है आपको जो कि है 30वां। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। कभी भी एक लाइन देके रखी हुई हो आपको, उस लाइन में एक व्यक्ति का स्थान आगे से देके रखा हुआ, एक का स्थान पीछे से देके रखा है, और दोनों के स्थान को जोड़ने के बाद यदि कुल लोगों से ज्यादा आ जाते हैं लोग, तो हमेशा वो लाइन ऐसी ओवरलैप वाली होगी उन दोनों के लिए। एक व्यक्ति का स्थान आगे से इतना, पीछे से इतना, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, क्रॉस करते हुए बैठेंगे। जैसे कि आप देखेंगे 35 + 30 ये हो गया 65, तो आप देखेंगे टोटल लोगों से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों को डबल से गिना गया है, तो ये लाइन हमेशा ओवरलैप होगी। और इसी तरीके से अगर लाइन इस तरीके से देता कि कतार में कुल 42 लोग हैं, जिसमें एक व्यक्ति का स्थान आगे से 18वां है, एक का स्थान पीछे से 12वां है, तो 18 + 12 कितना हो गया 30, कुल लोग 42, तो ऐसी स्थिति में बचे हुए 12 लोग इन दोनों के ठीक बीच में बैठते हैं। तो एक बात आप ये ध्यान से सुनना कि कुल लोग देके रखे हुए, एक व्यक्ति का स्थान आगे से, एक का पीछे से देके रखा हुआ है, और दोनों को यदि जोड़ने पे कुल लोगों से कम लोग आने, तो लाइन हमेशा इस तरीके की है, लेकिन दोनों को जोड़ने पे अगर टोटल से ज्यादा आ रहे तो लाइन हमेशा ओवरलैप कर जाएगी। तो इन दोनों के लिए लाइन कैसी है, ओवरलैप करती हुई, दोनों क्रॉस करते हुए बैठ रहे एक दूसरे को। ठीक, क्वेश्चन की तरफ चलते, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। एक लाइन है, ये लाइन हो गई, इस पूरी लाइन में कितने लोग हैं, 42 लोग हैं। इसमें राम का स्थान बोल के रखा है कि राम जो है, राम का स्थान पीछे से कितना देके रखा है, 35वां, और विजय जो है, ये हो गया विजय, विजय का स्थान आगे से देके रखा हुआ है 30वां। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये निकालूंगा कि इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो आप किस तरीके से निकालेंगे, देखो बहुत आसान है। क्या करेंगे आप, कभी भी आपको ओवरलैप करती हुई लाइन है और आपको ये निकालना है कि उनके बीच में कितने लोग हैं, तो आप क्या करना, दोनों को जोड़ देना, 35 + 30 कितना आ जाएगा, 65 में आप पहले तो कुल लोग माइनस करना, कितना है 42, इसमें दो आप एक्स्ट्रा माइनस कर देना। दो क्यों करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले जैसे आपने 65 में 42 माइनस किया, कितना आया 23। इस पूरी लाइन में 23 लोग ऐसे हैं जिनको डबल से गिना गया है, वो डबल से कहां से गिना गया है, राम से लेके विजय तक, राम से शुरू करते हुए विजय को भी लेते हुए टोटल 23 लोग ऐसे हैं जिनको डबल से गिना गया है। इन 23 में एक राम भी, विजय भी है, लेकिन यदि इन दोनों के बीच में मेरे को देखना है कितने लोग हैं, तो मेरे को राम और विजय को हटाना पड़ेगा। राम और विजय दो लोग हैं, तो इन दो लोगों को मैं हटा दूंगा, तो कितना हो जाएगा, सिंपल 21। तो इनके बीच में टोटल है 21 लोग, इनके बीच में कितने लोग हैं, 21। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ओवरलैप करती हुई लाइन के बीच में कभी भी अगर बताना हो कितने लोग हैं, तो इजीली निकल जाएंगे। जैसे कि एक लाइन है जिसमें 25 लोग हैं, एक का स्थान आगे से 18वां देख के रखा है, एक का पीछे से 20वां देख के रखा है, इनके बीच में कितने लोग हैं पूछे, तो 20 + 18 कितने हो गए, 38। 38 में 25 माइनस करना, एक्स्ट्रा 2 और माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा 25, 2 जोड़ दूंगा 27, आंसर हो जाएगा 11। तो ओवरलैप करते हो गए ये। अब क्या बोल के रखा है, इनके ठीक बीच में सीता बैठी हुई है, इनके ठीक बीच में सीता को बिठा दिया मैंने यहाँ पे। सुनते जाना आप थोड़ा ध्यान से, कि मेरे को पता है कि इनके बीच में मेरे को टोटल 21 लोगों को बिठाना है, 21 में मध्य में ठीक बैठी हुई है सीता, एकदम मिडिल में बैठी सीता, सीता हो गई एक, तो 21 में यदि मैंने सीता को बिठा दिया, बच्चे कितने, 20। अब 20 को मैं दो बराबर हिस्सों में तोड़ूंगा, क्योंकि ठीक मध्य में बिठाना है इन दोनों के, तो बच्चे 20 को 10 इधर हो जाएंगे, 10 इधर लोग हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि राम और विजय के बीच में 21 लोग, कैसे, 10 + 1 = 11, 11 + 10 = 21, बिल्कुल 21 है, और सीता इन दोनों के ठीक बीच में बैठी, क्योंकि लेफ्ट और राइट पे सीता के बिल्कुल बराबर लोग हैं। ठीक, अब पूछा यह गया है कि सीता का स्थान आगे से कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। आप देखेंगे कि आपको पता है कि विजय जो है, विजय का स्थान आगे से आपको देख रखा 30वां, तो मैं विजय से आगे की तरफ जाते हुए देखूंगा कि सीता का स्थान कौन सा है, वही मैं 30 में माइनस कर दूंगा। तो मैं देखूंगा कि विजय से चलते हुए सीता की तरफ टोटल बीच में 10 लोग हैं, लेकिन सीता का स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11वां स्थान। तो विजय से सीता का स्थान आगे की तरफ 11वां है, आगे से विजय का स्थान है 30वां, और आगे की तरफ आते हुए विजय से सीता का स्थान है 11वां, तो मैं माइनस कर दूंगा 30 - 11, तो मेरा आंसर आ जाएगा 19। सीता का स्थान आगे से है 19वां। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अगर यही आपको पूछता कि सीता का स्थान पीछे से कितना है, तो पीछे से भी इजीली निकल जाता, यहां से निकल जाता कि आपको पता है कि राम का स्थान पीछे से 35वां, इस 35 से चलते हुए सीता का स्थान 10 बीच में लोगे, 11वां स्थान हो जाएगा पीछे जाते हुए, तो 35 - 11 आंसर हो जाएगा 24। एक ये तरीका। दूसरा तरीका, आपको अगर कुल लोग पता हो और उसमें एक व्यक्ति का स्थान एक छोर से, एक एंड से देके रखा हो, जैसे मेरे को पता चल गया आगे से 19 है, पीछे से निकालना, तो आप क्या करेंगे, टोटल से माइनस करके +1 कर देंगे, यहां से भी आंसर तो अभी भी 24 ही आएगा।
तो सीता का स्थान आगे से 19वां जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में, और पीछे से जो है वो है 24वां, आगे से 19वां पीछे से 24वां। ठीक, तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, नया वीडियो जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए।